प्रॉब्लम नंबर 15 को देखिएगा, ये भी अपने आप में एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, और समझने की कोशिश करो। हमसे कह रहा है कि एक कैरेज है, एक कैरेज के अंदर एक बंदा है। अब वो बंदा भागने की कोशिश कर रहा है इस कैरेज में से। अब वो भाग रहा है, वो भाग के इस पर लात मार रहा है, इस पर गिर रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये कैरेज आगे को मूव कर जाएगा? सवाल ये है, क्या ये कैरेज आगे को मूव कर जाएगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि कैरेज के अंदर एक बंदा है, और बंदा अगर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल फोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और इंटरनल फोर्सेस, अगर किसी सिस्टम के अंदर फोर्स लग रहा है, जैसे कि ये एक इंटरनल फोर्स हो गया, तो इंटरनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी भी सिस्टम के अंदर मोशन नहीं आती। फिलहाल तो ये इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई मोशन नहीं आएगी। वही बात लिखी हुई है, नो इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन द सिस्टम। समझ में आ जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, मैं इसके पीछे की एक थोड़ी सी फिजिक्स बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज कि ये बंदा यहाँ पर एक तरह का एक्शन लगाता है। तो गाइज, ये एक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या उसके पैर पीछे की तरफ को, पीछे की तरफ को, क्योंकि वो अपने पैरों से पीछे के सरफेस को पूछे पीछे की मतलब सरफेस को पीछे की तरफ को पुश करने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से इसके पैर इसको पीछे की तरफ को धक्का दे रहे हैं, और इसके हाथ आगे की तरफ को। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। दैट्स वाई ये कैरिज आगे को मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एक तरह का 15 था ये, और एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन को पड़ता तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा।